सलेन का उपयोग भोजन के रूप में सेवन करने से पहले औषधीय प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इस भोजन के लाभ, जो मिट्टी के सभी लाभों को इकट्ठा करके हमारी मेज पर आते हैं, हमारे शरीर को होने वाले लाभों की गिनती करना बंद नहीं करेंगे और हर दिन एक नया लाभ खोजा जाता है। आज इसे रसोई में कई व्यंजनों में शामिल किया जा सकता है। यह पौधा, जो सही मात्रा और समय में पूरक के रूप में उपयोग किए जाने पर हमारे शरीर को अविश्वसनीय लाभ प्रदान करता है, लगभग सभी शारीरिक समस्याओं के लिए अच्छा है। पसलेन खपत के क्या लाभ हैं, कैसे, कब और कितना सेवन करना चाहिए, आइए एक साथ जांच करें। लाभों पर आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम यहां हर दिन एक नई जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ, एक दिन में एक चुटकी पसलेन खाने के क्या फायदे हैं, होमोसिस्टीन एक एमिनो एसिड है जिसे रक्त में मापा जाता है। जब यह पदार्थ रक्त के ऊतकों में उच्च होता है तो यह वाहिकाओं को खतरा देता है और हृदय रोगों का मार्ग प्रशस्त करता है। पसलेन में विटामिन B9 अतिरिक्त होमोसिस्टीन को निष्क्रिय करता है और संवहनी ऊतक की रक्षा करता है, जबकि इसकी सामग्री में एंटीऑक्सीडेंट वाहिकाओं में पट्टिका के गठन को कम करने में मदद करते हैं। स्वस्थ हृदय के लिए उनके पास बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। एक पौधे का योग एक विशेष रूप से तने के भाग में हृदय रोगों के विकास के जोखिम को कम करता है। दूसरी ओर पसलेन भी खनिजों में बहुत समृद्ध है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस पोषक तत्व का रक्त शर्करा कम करने वाला प्रभाव पौधे के यौगिक फोलिक एसिड से आता है। उसी समय जब गूदे का सेवन किया जाता है तो पेट सूज जाता है और पाचन प्रक्रिया को लंबा कर देता है। इसमें मौजूद उच्च पोटेशियम और फॉस्फोरस मधुमेह की रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पदार्थ ग्लूकोज को सहन करने वाले प्रोटीन को तोड़ने में प्रभावी होते हैं। विशेष रूप से रक्त शर्करा असंतुलन वाले व्यक्ति अपने भोजन का सेवन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट से निकलने वाले शर्करा के कण शरीर में प्रोटीन पदार्थों के लिए अनुपयुक्त बंधन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वास्थ्य जगत में ग्लाइकेशन कहते हैं। पसलेन में सामग्री के लिए धन्यवाद। यह ग्लाइकेशन गठन प्रक्रिया के जोखिम को कम करता है। साथ ही यह जड़ी बूटी फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। इसकी उच्च फाइबर सामग्री के साथ यह लाभकारी बैक्टीरिया का पोषण प्रदान करता है, जो आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शरीर में पौधों के यौगिकों के लिए धन्यवाद। यह एसिड को बेअसर करने में मदद करता है, जो पेट की समस्याओं जैसे गैस्ट्रोइटिस का कारण बनता है। यह आंत और पेट के बीच की सभी पाचन क्रियाओं को नियंत्रित करके पाचन से राहत देता है। रोगों के खिलाफ पीछा, नियमित रूप से पसलेन का सेवन हमारे शरीर में उच्च मात्रा में संरक्षक और एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। ये यौगिक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करके शरीर को जीवाणु रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। पसलेन के तनों में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व गले को शांत करते हैं और खांसी से राहत दिलाते हैं। इसमें उच्च विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है, जो एंटीबॉडी बनाते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ एक मजबूत रक्षा दीवार बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर इसमें मौजूद सेलेनियम और फॉस्फोरस कैंसर रोधी पदार्थ हैं। इसमें मौजूद ये एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कैंसर के गठन के लिए जिम्मेदार सेलुलर तनाव से लड़कर लंबे समय में सभी अंगों और शरीर प्रणालियों को मजबूत करते हैं। तो पसलेन के नुकसान क्या है? सबसे पहले पसलेन के गूदे में आंतों, पेट और पाचन तंत्र को साफ करने का गुण होता है। हालांकि जब अधिक मात्रा में और अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है तो यह हमारे पाचन तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा पसलेन उन पदार्थों में से है जो वर्तमान में स्वास्थ्य जगत उपयोग करता है, इसलिए इसमें कुछ दवाओं के साथ बातचीत करने की क्षमता है। नियमित रूप से पसलेन का सेवन करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श करें, खासकर यदि आपके पास ऐसी दवाएं हैं जिनका आपको लगातार उपयोग करने की आवश्यकता है। तो पसलेन का कितना सेवन करना चाहिए? नियमित अंतराल पर पसलेन का सेवन बहुत जरूरी है। रोजाना एक चुटकी पसलेन का सेवन करने से आपके स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा। इस जानकारी के आलोक में आप अपने आहार में पसलेन को शामिल कर सकते हैं और इसके दीर्घकालिक लाभों का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को
पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छी तरह से रहें, सूचित रहें।